जसवाल जी ऐसी कप्तान साहब जो पूछ रहे थे उसका एक बार अंदर से ले लीजिए, यहीं के लोग हैं आप देख रहे हो, यहीं के लोग करते हैं तो ऐसा साफ है, यहीं करेंगे तो कहाँ से हो जाएगा, यहीं की लेडीज सब सफाई करती है। ये नाच संप्रदाय की सातवीं पीढ़ी से अब हूँ। इस टाइम मैंने अगर योगी जी नाच संप्रदाय से हैं और हम भी नाच संप्रदाय से हैं तो हम लोगों को ऐसे प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? उसकी वजह कि ये लोग हम लोगों को सारे समाजों को साथ में लेकर चल रहे हैं तो हमसे ही ऐसा वैर क्यों किया जा रहा है? क्या मांग करते हैं योगी जी से? यही मांग करते हैं कि हमें ये डेली के टॉर्चर और ये जो परेशान किया जा रहा है, जो 7-5-6 दिन से जो खाना नहीं खाया, लोग बाग इतने परेशान हैं, इससे मुक्ति मिले और इसका जो इस पर जो कार्रवाई हो रही है उसे रोका जाए। क्या पूरा विषय क्या है? विषय ये है कि हमारे जो पूर्वज थे 3 बाबा थे, ये 6 विषय यानी जमीन बताई जाती है, 6 बाबा जी हैं जो जन सूचना अधिकारी रह चुके हैं पहले। उन्होंने क्या किया, उनके कोई छोटे भाई है, उन्होंने फर्जी वसीयत वगैरह बना के कोई यानी कोई ज़मीन वगैरह सेल आउट की, अभी ये इतना नहीं है वो, अब वो यानी पूरी इसको ज़मीन को अपने ही कहते हैं कि मैं इसका वो। तो इसमें प्रशासन आपको क्यों परेशान कर रहा है? प्रशासन कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। प्रशासन से जब सुन ही नहीं रहा, उसे कुछ बोला कि भैया किस अधिकार से आप हमारे घर के नापा तौली हो, कौन किसके आदेश पे ये सब कार्रवाई हो गई है उससे पूछो, और कप्तान जी का नाम लेते हैं बस। आपने पोस्ट भी डाला है कप्तान के खिलाफ कि एसएसपी अगर जवाब नहीं देंगे तो आप आत्मदाह कर लेंगे। जी, अगर एसएसपी जवाब नहीं देंगे मैं लाइव पोस्ट चलाऊंगा फिर फेसबुक पर। आत्मदाह की ठीक, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। हमारी करीब सातवीं पीढ़ी से रह रहे हैं हम लोग और पैतृक संपत्ति है, उनके भाई राजेंद्र प्रसाद और उनके भाई अपनी हिस्से की जमीन को बेच गए। अब वो विवाद खड़ा कर रहे हैं कि इसमें बाघ था और उनके पेपर के अनुसार यहाँ 2000 के आसपास इसमें मकान दर्शाए गए हैं। अमीन रिपोर्ट भी थाना तहसील में लगी हुई है, सब कुछ है, लेकिन प्रशासन इनको कोई देखने को तैयार ही नहीं। हम जब मिलने जाते हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं, एक पक्षी कार्य चल रहा है। आपके परिवार का एक बेटा आत्मदाह करने की धमकी दे रहा है, क्या मांग करते हैं आप सीएम से, क्या कहेंगे वो आपके लिए? यही टॉर्चर ना हो हमारे लिए, ये रोजाने प्लस नपाई हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, मतलब कोई बताने को ये तैयार नहीं, क्यों हो रहा है ये, आखिर क्यों किया जा रहा है।